आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज है 11.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 1/4 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 - cos² θ, या 1 - cos² θ लिखेंगे, फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा। यानी कि आप इस 1/4 को यहां ले आए और उसके बाद cos² θ, इसको मैं करके बताता हूं आपको, ये 1 - cos² θ - cos θ - 1/4, तो ये बना -cos² θ - cos θ, 1 - 1/4 क्या बनेगा, ये बनेगा 4 - 1 यानी 3/4। अब 3/4 बना, ये -3/4 = 0, अच्छा 3/4 प्लस में हो जाएगा। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो c² + c - 3/4 = 0, तो ये इक्वेशन आ गई। अब 4 सब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अगर 4 यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos² θ + 4 cos θ - 3। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये 4 3 12 12, अब किसी तरीके से यहां 4 लाएंगे तो 6 2 12, तो 6 और 2 के साथ 4 आ जाएगा, 4 cos² θ + 6 cos θ - 2 cos θ - 3, इन दोनों से 2 cos θ कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे 2 cos θ + 3 आएगा, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो cos θ + 3 2 cos θ, ये 2 cos θ + 3, तो क्या बना, 2 cos θ - 1 और 2 cos θ + 3 = 0, ये आपके दो फैक्टर बन गए। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, 2 cos θ - 1 = 0, मतलब cos θ = ½, हाफ है cos 60 डिग्री, सो cos π/3 लिखेंगे, सीधा θ = 2nπ ± π/3, ये इसका एक सोल्यूशन आएगा। 2 cos θ + 3 = 0, cos θ आएगा -3/2, अब जानते हैं cos θ जो होता है वो -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, बराबर होता है, इन्हीं के दरमियान होता है, यहां -3.5 आया, यानी बेसिकली -1.5 की बात हो रही है, जो कि वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। (2 cos²θ - 5 cos θ + 2 = 0), इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, 2 2 4 है, तो 4 के साथ कैसे 5 बनाएंगे, 4 और 1 के साथ, 2 cos²θ - 4 cos θ - cos θ + 2 = 0, इन दोनों से 2 cos θ कॉमन ले लीजिए, cos θ - 1 अंदर रहेगा, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, cos θ - 1 रहेगा। अब cos θ - 2 ये आपको बाहर लेना पड़ेगा, 2 cos θ - 1 अंदर आएगा, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब ये दाएं हाथ को ले लेते हैं, cos θ - 2 = 0, cos θ = 2, आप जानते हैं cos θ की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है और बराबर होती है, इनके बीच में होगी या इनके बराबर होगी, तो ये तो इनवैलिड हो गया। अब यहां पर आते हैं, cos θ क्या बनेगा, इससे 1 इधर ले जाइए, 1 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2, तो ये 1/2 अभी हमने देखा cos 60 है, cos 60 डिग्री, यानी cos π/3, इसका मतलब है थीटा है 2nπ ± π/3, यही इसका सॉल्यूशन है। 2 sin²θ + √3 cos θ + 1, अब इसमें cos और sin है, तो या तो क्योंकि sin² को ही हम cos² में बदल सकते हैं ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकें, तो क्या करेंगे यहां पर, sin²θ को हम 1 - cos²θ लिख देंगे। अब इससे क्या बनेगा, इसको मैं जरा सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे आता है, ये जगह 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 - 2 cos²θ और +√3 cos θ है ही +1, तो ये बनेगा, अब दोनों साइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो 2 + 1 तो खैर 3 आ ही रहा है, इसको 3 कर देता हूं, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को -1 से, तो ये 2 cos² - √3 cos और ये -3 = 0, तो यही इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 आपके पास आया है, अब 2 और 3 यानी कि 6 कैसे मिलेगा आपको, 2√3 × √3 करिए, क्या बनेगा, 3 √3 √3 3 × 2 6, तो 2√3 और 3 लेके हम बना सकते हैं क्योंकि 3 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, इसको -2√3 cos x + √3 cos x लिखेंगे, तो ये दोनों मिला के आपका -√3 cos x बनेगा, तो यहां पर इन दोनों से आप 2 cos x कॉमन ले लीजिए, cos x - √3 आएगा, यहां से आप √3 कॉमन ले लीजिए तो cos x - √3 आएगा, क्यों, क्योंकि √3 × √3 3 होता है। अब इससे दो फैक्टर बने, एक तो 2 cos x + √3 और एक cos x - √3, तो इससे क्या बनेगा, पहले वाला देखिए, ये दाएं हाथ को पहले ले लेते हैं, यहां पर cos x = √3 आ गया, तो ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि आप जानते हैं cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है या उसके बराबर होती है, तो ये हो गया इनवैलिड।
अब यहां पर आइए, कॉस एक्स हो गया आपका माइनस रूट थ्री बाई टू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे, हम इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई माइनस थीटा यानी वैनिटी माइनस थीटा, ये आपका माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसको अगर ऐसे लिखे माइनस कॉस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं आपको इस तरीके से, और कॉस पाई बाई सिक्स को, ये जो पाई बाई सिक्स है कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये माइनस कॉस पाई बाई सिक्स होता है। तो इस माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या होगा, फाइव पाई बाई सिक्स, सिक्स पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स। तो एक्स हो जाएगा टू एन पाई प्लस प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इसमें फाइव पाई बाई सिक्स है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एट कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, अभी साइन स्क्वायर थीटा को बना देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और माइनस एट कॉस थीटा, इसको फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस एट कॉस थीटा प्लस वन, तो फोर के साथ वन जुड़ेगा पांच, इसको मैं जरा कर देता हूं, ये बनेगा फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एट कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, फोर प्लस वन बनेगा फाइव, तो फाइव माइनस फोर कॉस स्क्वायर माइनस एट कॉस इक्वल टू जीरो, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा माइनस प्लस प्लस, तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एट कॉस थीटा माइनस वन। अब फाइव फोर जो ट्वेंटी है, ट्वेंटी और आठ लाना है, तो टेन और टू ले सकते हैं, यहाँ पर टेन कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा, ये एट कॉस थीटा बनेगा, इसमें से आप टू कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो टू कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, टू कॉस थीटा प्लस फाइव, यहाँ से आप माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो टू कॉस थीटा प्लस फाइव, तो क्या फैक्टर बने, टू कॉस थीटा माइनस वन और टू कॉस थीटा प्लस फाइव। पहले ये वाले को देख लेते हैं, टू कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव यहाँ आएगा, टू से डिवाइड होगा, अब ये बेसिकली माइनस टू पॉइंट फाइव है, तो ये तो वैल्यू होती ही नहीं है, कॉस थीटा जो होता है माइनस वन और वन के बीच में होता है, तो ये तो इनवैलिड वैल्यू होगी, इसको हम नहीं लेंगे। टू कॉस थीटा माइनस वन है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा हो जाएगा वन, और कॉस थीटा हो जाएगा वन बाय टू, वन बाय टू क्या होगा, वन बाय टू है कॉस पाई बाय थ्री, कॉस पाई बाय थ्री मतलब कॉस वन एट्टी बाय थ्री, जो सिक्सटी डिग्री है वही हाफ होता है। अब सीधा थीटा और अल्फा मिल ही गया आपको, तो यहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। नेक्स्ट है टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, पहले इसको खोल लेते हैं ये वाले को, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस रूट थ्री टेन एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बन जाएंगे, यहां से आप टेन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो टेन एक्स लेंगे तो टेन एक्स प्लस वन, यहां से आप रूट थ्री कॉमन ले लीजिए माइनस रूट थ्री, तो टेन एक्स प्लस वन, तो यहां पर टेन एक्स माइनस रूट थ्री एक बन गया और टेन एक्स प्लस वन एक बन गया। अब इससे पहले वाले को लाइए, टेन एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री का मतलब है ये रूट थ्री क्या आएगा, टेन सिक्सटी डिग्री, टेन पाई बाय थ्री, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, जो ये वैल्यू आई है। तो पहला तो सोल्यूशन ये हो गया, दूसरे पे आइए, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, अब इस वन की जगह टेन बाय टेन पाई बाई फोर लिखिए। अब आप जानते हैं कि टेन पाई बाय फोर को हम टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, टेन ये वाला माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको आप इधर ले आइए, माइनस पाई बाय फोर कर दीजिए, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एम, अच्छा एन यहाँ ले लिया तो यहाँ एम लेंगे, एक्स इक्वल टू एम पाई प्लस पाई बाय फोर, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि माइनस अंदर आ गया ना, ये होगा एम पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर, इसलिए एम पाई माइनस पाई बाय फोर आया। नेक्स्ट है आपका थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू रूट थ्री साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि दोनों मतलब दोनों साइड को रूट थ्री से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे क्या बनेगा, एक बार करके दिखाता हूं, ये जैसे थ्री है, ये थ्री बाय रूट थ्री क्या बनेगा, ये रूट थ्री हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, तो रूट थ्री बनेगा ऊपर, इसी तरीके से टू रूट थ्री है, टू रूट थ्री बाय रूट थ्री, रूट थ्री कैंसिल टू आ जाएगा, इसी तरीके से थ्री के साथ, थ्री के साथ भी जो अभी हमने किया थ्री रूट थ्री आ जाएगा, तो यहां पर ऐसे हमने बना दिया रूट थ्री डिवाइड करके, ये जरूरी है, ये एक जो इसमें ट्रिक है वो ये है, रूट थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब ये जो माइनस टू कॉस थीटा इसको आपको, क्योंकि यहाँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कितना होता है, ये थ्री है, तो थ्री और वन से कुछ करना पड़ेगा आपको ताकि आप टू टू ला सकें। तो हमने क्या किया, माइनस थ्री और वन को लिया, तो रूट थ्री कॉस का थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए इससे, तो रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, यहाँ से आप इन दोनों से माइनस रूट थ्री साइन थीटा कॉमन लेंगे, वो बनेगा रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये और ये, एक तो ये हो गया रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा इक्वल टू जीरो, दो फैक्टर बन गए।
पहले इसको जीरो ले लेंगे फिर इसको जीरो ले लेंगे, तो रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे क्या बना? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाले को और ये वाले को पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, फिर आपको इसका इसके बारे में बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस थीटा है माइनस रूट थ्री साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री साइन थीटा हो गया, ओके। अब इस कॉस को इधर ले आइए, रूट थ्री को इधर ले आइए, तो ये साइन बाय कॉस क्या बना, ये हो गया टेन, तो टेन थीटा हो गया वन बाय रूट थ्री, यही यहां पर बना है टेन थीटा इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। अब वन बाय रूट थ्री क्या होता है, टेन थर्टी डिग्री, तो टेन पाई बाय सिक्स लिख दीजिए, इसका जनरल सोल्यूशन हो गया थ्री टा इक्वल टू एम पाई प्लस पाई बाय सिक्स। एम इसलिए लिया क्योंकि एन यहां हम लेने वाले हैं, इसलिए एम पाई प्लस पाई बाय सिक्स। यहां पर आइए, ये आपका होगा रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो रूट थ्री कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया, इसको यहां ले आइए तो हो गया माइनस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, इसको यहां पर यहां कर लीजिए टेन थीटा हो गया माइनस रूट थ्री। रूट थ्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री। अब आप जानते हैं कि इस माइनस को अंदर लिया जा सकता है क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाय थ्री, तो अल्फा हो गया माइनस पाई बाय थ्री, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एम यहाँ ले चुके हैं तो एन यहाँ पर लेंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय थ्री, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। एन और एम जो है इसमें अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों दोनों अलग फैक्टर्स है, इसीलिए एन यहाँ एम यहाँ। कॉस फोर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहां ले आइए पहले, कॉस फोर थीटा माइनस कॉस टू थीटा, यानी कि कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, टू कॉस दिस माइनस दिस बाय टू, यानी कि फोर थीटा माइनस टू थीटा बाय टू साइन थीटा आ गया, टू साइन सॉरी टू साइन फोर थीटा माइनस टू थीटा बाय टू, यानी कि टू थीटा बाय टू थीटा हो गया। और यहां पर आइए साइन फोर थीटा प्लस टू थीटा बाय टू, यानी कि सिक्स थीटा बाय टू, यानी कि साइन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसे क्लियर हो गया कि या तो साइन थीटा जीरो होगा या साइन थ्री थीटा जीरो होगा। साइन थीटा इक्वल जीरो का तो जनरल सॉल्यूशन पता हो है हमें, थीटा इक्वल टू एन पाई, और साइन थीटा का क्या हो गया इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू एम पाई। एन और अलग एम अलग अलग लिए हैं क्योंकि ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एन यहाँ ले लिया एम यहाँ ले लिया। अब इसको प्लस थ्री से डिवाइड कर दीजिए, ये थीटा इक्वल टू एम बाई थ्री एक सोल्यूशन हो गया, थीटा इक्वल टू एन पाई एक सोल्यूशन हो गया। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें क्या करना है, अब देखिए कॉस थीटा, इसमें क्या है कि तीन टर्म्स हैं इस तरीके से, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस कॉस थीटा और कॉस थ्री थीटा इनको साथ में लीजिए ताकि हम कॉस टू थीटा ला सकें, यानी कॉस थीटा और कॉस थ्री थीटा को लिया तो क्या बना, कॉस ए कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो आएगा टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू थीटा प्लस थ्री थीटा बाय टू, यानी कि टू कॉस टू थीटा। ऐसी टू कॉस थ्री थीटा मतलब कॉस दिस माइनस दिस बाय टू, तो थ्री थीटा माइनस थीटा होता है टू थीटा बाय टू आपका थीटा हो गया। तो इसकी जगह आप ये लिख देंगे टू कॉस टू थीटा, यहाँ पर इन दोनों की जगह आप ये तब्दील कर देंगे टू कॉस टू थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस टू थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस टू थीटा कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा आ गया इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो होगा या ये टर्म जीरो होगा, पहले इसको ले लेते हैं। कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, इसका तो जनरल टर्म हमें पता ही है क्या होगा, टू थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, टू से डिवाइड कर दीजिए आप टू एन प्लस वन पाई बाय फोर, ये इसका जनरल टर्म हो गया। तो एक तो ये आ गया, दूसरे पर आइए वन प्लस टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि टू वन वन इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस वन बाय टू, कॉस थीटा माइनस वन बाय टू आया। अब इसमें क्या है, ये वन बाय टू तो पाई बाय थ्री होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री भी माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री माइनस कॉस पाई बाय थ्री होता है, और कॉस पाई बाय थ्री क्या होता है, हाफ होता है, तो माइनस यहाँ इसकी जगह आप कॉस पाई बाय थ्री लिखिए और माइनस हटाने के लिए कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बना थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री होता है टू पाई बाय थ्री, थ्री पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी टू पाई बाय थ्री, तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल टर्म क्या होता है थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाय थ्री, तो एक सोल्यूशन ये हो गया एक सोल्यूशन ये हो गया। चाहे तो यहाँ पर आप एम भी कर सकते थे या एन कर सकते थे, थोड़ा और वेरिएशन दे के बता सकते थे कि यहाँ एन है या एम है। अब है कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया इसी इसके पहले वाले डिस्कशन में कि इस थीटा और टू थीटा को यूज थीटा और थ्री थीटा को यूज करेंगे ताकि टू थीटा ला सके, तो इसका टर्म आपको पता ही है अभी अभी हमने किया टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू दिस माइनस दिस बाय टू, यानी कि टू कॉस टू थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा आएगा। यहाँ पे यहाँ से कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा और कॉस टू थीटा दोनों से कॉमन ले लीजिए, कॉस टू थीटा कॉमन लेते ही अंदर आएगा टू कॉस थीटा माइनस वन,
तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो कॉस टू थीटा का जीरो का मतलब ये है टू थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू, ये हमें जनरल टर्म पता ही है। अब टू से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, तो थीटा हो गया टू एन प्लस वन फाइव बाई फोर। टू कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय वन इस वाले से मिलेगा, तो कॉस थीटा बनेगा वन बाय टू, और वन बाय टू क्या होता है कॉस सिक्सटी डिग्री, कॉस फाइव बाय थ्री। सो जनरल टर्म क्या होगा, थीटा इक्वल टू टू एम पाई प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। ये एम ले लिया यहां पर, यहां एन ले लिया। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन फाइव थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा। अब देखें आप साइन सी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाले को साइन थीटा और साइन फाइव थीटा के में ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो टू कॉस थीटा प्लस फाइव थीटा बाई टू यानी कि सिक्स थीटा बाई टू यानी थ्री थीटा, टू कॉस टू साइन टू साइन सॉरी टू साइन थ्री थीटा हो गया। और कॉस के साथ क्या आएगा, दिस माइनस दिस बाई टू। तो थीटा क्योंकि कॉस और में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फाइव थीटा माइनस थीटा यानी कि फोर थीटा बाई टू यानी कि टू 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 थीटा आ गया। यहाँ साइन थीटा है, इसको इधर इधर ले आइए, इसको यहाँ ले आए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन थ्री थीटा साइन थ्री थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बनेगा टू कॉस टू थीटा माइनस वन, यानी कि या तो ये जीरो होगा, इसका तो सीधा टर्म आ जाएगा थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा इक्वल टू दोनों साइड को थ्री से डिवाइड कर दीजिए, थीटा एन पाई बाय थ्री, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। टू कॉस टू थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, वन को यहाँ ले आइए और टू से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस टू थीटा वन बाय टू। अब जानते हैं वन बाय टू क्या होता है, कॉस सिक्सटी डिग्री होता है, तो कॉस सिक्सटी डिग्री, कॉस सिक्सटी डिग्री यानी कि ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसमें टू थीटा लिखिए टू एम पाई, टू एम पाई यहाँ पर एम कर दीजिएगा, यहाँ एन कर दीजिएगा, टू एम पाई प्लस माइनस दिस पाई बाय थ्री, दोनों साइड को टू से डिवाइड कर दीजिए, थीटा हो गया एम पाई प्लस पाई बाय थ्री, मतलब टू से डिवाइड किया तो पाई बाय सिक्स आ गया। तो ये आपका एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया। अब है कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस थ्री थीटा, ये आपका वन बाय फोर है। तो इसमें क्या करना है, हमको यहाँ इस वन बाय फोर को लिखना है वन बाय टू इंटू टू, और इस टू को उठा के यहाँ ले जाना है। तो अब क्या बन गया, टू कॉस थीटा, कॉस थ्री थीटा और कॉस टू थीटा। अब ये वाला जो टर्म है आप जानते हैं इसका क्या होता है, ये बनेगा कॉस फोर थीटा प्लस कॉस टू थीटा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसलिए कॉस फोर थीटा प्लस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि इस कॉस फोर थीटा को हम लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसलिए कॉस फोर थीटा होगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस टू थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा, कॉस टू थीटा को अंदर, तो कॉस टू थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, टू कॉस क्यूब टू थीटा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस कॉस टू कॉस टू थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, हाफ तो है ही यहाँ पर। अब दोनों ये जो है दोनों साइड को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर, ये भी ये टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म वन बचेगा क्योंकि दोनों साइड को टू से मल्टीप्लाई किया है, ये वन वाला टर्म इधर आ जाएगा माइनस वन, इसलिए बनेगा। अब इसको देखिए हमने क्या किया, दो से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया, ये तो हट जाएगा और वन यहां पर आ जाएगा। अब इसको देखें, इस वाले टर्म में टू कॉस स्क्वायर टू थीटा हम कॉमन लेंगे, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा कॉमन लेते ही ये टू कॉस थीटा आएगा, यहां पर वन आ जाएगा। यहां पर हम माइनस वन कॉमन लेंगे, माइनस वन कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा टू कॉस थीटा प्लस वन। इसका मतलब टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन और टू कॉस टू थीटा प्लस वन, ये हमारे पास दो बनेंगे फैक्टर, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब टू कॉस का टू थीटा माइनस वन तो सीधा फॉर्मूला है कॉस फोर थीटा का, तो सीधा कॉस फोर थीटा इक्वल टू जीरो कर दीजिए। आप जानते हैं फोर थीटा टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा, दोनों साइड को फोर से डिवाइड कर दीजिए तो टू एन प्लस वन पाई बाई एट हो जाएगा। ये यहाँ पर आएंगे टू कॉस टू थीटा इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन इधर ले जाइए, माइनस वन होगा, फिर टू से डिवाइड कर दीजिए तो कॉस टू थीटा हो जाएगा माइनस हाफ। ये हाफ क्या होता है, ये हाफ क्या होगा, कॉस ये दिस 60 डिग्री है ना, तो कॉस 60 डिग्री होगा, लेकिन आप कॉस 60 डिग्री, लेकिन आप इस माइनस को लाने के लिए कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री लिखेंगे, और पाई माइनस पाई बाय थ्री होता है टू पाई बाय थ्री, ये टू पाई बाय थ्री ऐसा है, पहले आप यहाँ पर माइनस कॉस पाई बाय थ्री लिखेंगे, उसके बाद इस माइनस को हटाने के लिए कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री करेंगे, इसलिए कॉस टू पाई बाय थ्री हो जाएगा। तो यहाँ टू थीटा क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन है टू टू थीटा इक्वल टू टू एम पाई प्लस माइनस टू पाई बाय थ्री। अब दोनों साइड को टू से डिवाइड कर दीजिए, थीटा आ जाएगा एम पाई प्लस टू पाई बाय थ्री, यानी कि टू नीचे रहेगा तो टू टू कैंसिल, प्लस माइनस पाई बाय थ्री, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया इसका। एम यहाँ लेना है, एन यहाँ लेना है। नेक्स्ट वाला जो टर्म है इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, तो ये वाला जो हम क्वेश्चन लेंगे ये हम अगले डिस्कशन में लेंगे।
तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।